जय जोहार जोहार रायपुर में जम्मो दर्शक मन के स्वागत है। मैं हूं लीना। अब बर्थन खबर मंडहार और देखता ने बेरा के सुर्खी मनला। शक्ति केंद्र पहुंच के साह करीस कार्यकर्ता मनला विचार, विधानसभा और लोकसभा में जीत भर दीस मंत्र। वन मंत्री महेश गागड़ाला जान के खतरा, आईबी हजारी करीस रिपोर्ट, तगड़ा करीस सुरक्षा। और कोनो मेर गरबा करत हुए तक कोनो मेर शिव पार्वती के स्वरूप में विराजित गणपति, शहर भर ले दर्शन करे पर पहुंचत है श्रद्धालु मन। अब खबर विस्तार ले। आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के पताका प्रदेश में चौथा बार लहराए के जुगत में अब भाजपा पूरा तरह ले चुनावी मोड में है। ये कड़ी में शुक्रवार के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह प्रदेश के करीब 15,000 ले ज्यादा शक्ति केंद्र प्रभारी मन के दिल जीतीस और संकल्प दिलेस की मल्ला घर घर दस्तक देके सरकारी योजना मल्ला बताए बर टिप्स घलोक दिस। छत्तीसगढ़ में अपन 65+ मिशन ला पूरा करे बर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह शक्ति केंद्र संयोजक मल्ले रूबरू होय बर शुक्रवार के अपन एक दिवसीय प्रवास में रायपुर पहुंची। शक्ति केंद्र के लगभग 15,000 कार्यकर्ता मन अपन आला कमांड ले टिप्स ले बर पूरा प्रदेश के हर छोर ले राजधानी आए हुए रहीस। गौरतलब है कि बीजेपी के प्रदेश में लगभग 24,000 बूथ है और एक शक्ति केंद्र में 3-5 बूथ है। संयोजक और सह संयोजक मन घलोक इतना ही संख्या में है। इमल मिला के करीब 22,000 शक्ति संयोजक है। लॉजिस्टिक पार्क में अमित शाह के इंतजार में बैठे कार्यकर्ता मल्ला ओ बेरा एक जोश मिलीस जब उकर राष्ट्रीय अध्यक्ष शक्ति केंद्र सम्मेलन में उकर बीच में मौजूद हुई। सबो कार्यकर्ता मन शाह के नारा लगात हुए उकर अभिवादन करीस। अमित शाह के संग में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश प्रभारी अनिल जैन और प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक सहित कई मंत्रीगण, सांसद और विधायक मन घलुक मौजूद रहीस। सम्मेलन में भाजपा शक्ति केंद्र संयोजक, सह संयोजक और शक्ति केंद्र प्रभारी, भाजपा मंडल अध्यक्ष, भाजपा जिला अध्यक्ष और जनप्रतिनिधि मन लगभग 2 घंटा तक आने वाला विधानसभा और लोकसभा में जीत भर मंत्र दीस है। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन ले हुई है, जेकर बाद में वंदे मातरम के गीत ले पूरा माहौल गुंजयमान हो गए। कार्यक्रम ला संबोधित करत हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के दौरा ला कहिस कि भाजपा 20 राज्य मन मा अपन परचम लहरा है। सीएम कहिस कि आज हमर बीच मा पराक्रमी योद्धा अमित शाह है, जेन हा कभू चुनाव नहीं हारे। ओहा यही कांग्रेस ला घलो कई बार धूल चटा है। शाह के प्रेरणा ले हमन ला प्रदेश मा 65+ के मुकाम हासिल करबो। सीएम अपन कार्यकर्ता मन कहिस कि प्रदेश में होने वाला विधानसभा चुनाव 2018 में 65+ और 2019 में लोकसभा के 11 सीट मन में भाजपा के कमल प्रदेश में खेली। छत्तीसगढ़ का उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम 3 बार मैं इसी सत्र में घूम चुका हूँ। मैं पूरी ताकत लगा दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक एक कार्यकर्ताओं के पास जाकर इस पूरे चुनाव अभियान में हम न रुकेंगे न थकेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान है। जब तक विजय 2018 का और 2019 में इस देश में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तक नहीं बनेंगे, कोई कार्यकर्ता रुकने वाला नहीं है। एक बार दोनों हाथ उठा के ताली बजा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे और ये विश्वास दिलाएंगे। ये विश्वास दिलाता है छत्तीसगढ़ का एक एक कार्यकर्ता, मंच में बैठे हुए मेरे एक पदाधिकारी, कि हम 2018 भी 65+ करेंगे और 2019 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को इन कार्यकर्ताओं के सामने में वादा करता हूँ, इन कार्यकर्ताओं की ताकत है कि 11 में 11 लोकसभा जीत के हम देंगे। ये संकल्प हमारा है, प्रतिज्ञा हमारा है। एक एक कार्यकर्ता चैन से, एक एक कार्यकर्ता एक मिनट के लिए विश्राम नहीं करेगा और हम सब मिलकर इस युद्ध में, इस संघर्ष में विजयी होंगे। मुख्यमंत्री के बाद अमित शाह कार्यकर्ता मन में जोश भरे बर अपन हुंकार लगे। सम्मेलन न संबोधित करत हुए अमित शाह कहिस कि आज आम सभा नहीं, भाजपा के कार्यकर्ता मन के सम्मेलन है। सम्मेलन में जितना कार्यकर्ता मन बैठे है ये पार्टी के वटवृक्ष है। भाजपा मा नेता मन के बल मा नहीं, बूथ के कार्यकर्ता मन के दम मा जीत होते। शाह डॉक्टर रमन सिंह के तारीफ करत हुए कहिस कि ऐसे सीएम पूरा देश मा कोनो मेर नहीं है। राहुल गांधी मा तंज कसत हुए कहिस कि राहुल दिन में सत्ता के सपना देखना छोड़ दे, देश मा कांग्रेस साफ हो गए हैं। हर जगह मोदी आए के बाद मा केवल भाजपा के कमल ही खिले हैं। अब आने वाला 50 साल तक पंचायत ले सांसद तक भाजपा के जीत तय है। शाह प्रदेश के तारीफ करत हुए कहिस कि छत्तीसगढ़ बीमारू नहीं रहीस,
अब चाउर वाले बाबा हा सबला समर्थ बना दिए है। 19 में भाजपा की सरकार आने के बाद देश में एक भी घुसपैठियों को हम नहीं रहने देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी, देश में घुसपैठियों की कोई जगह नहीं होगी। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प या नक्सलाइट के खिलाफ डॉक्टर रमन सिंह और उनकी पूरी टीम जान की बाजी लगाए हुए पूरे छत्तीसगढ़ को लगभग लगभग नक्सलवादियों के त्राप से मुक्त कराया। मैं अभिनंदन देना चाहता, मगर इस बार ये 2 सीट 4 सीट 5 सीट वाला बहुमत नहीं चाहिए। ये हर बार चुनाव आता है कांग्रेसियों को स्वप्न आते हैं और जीतने के स्वप्न इसलिए आते हैं कि कांग्रेस की अभी भी सूखा तो सूखा पेड़ लगा है। लगाए या नहीं लगाए बताओगे? ये चुनाव में ये पंडाल में बैठा हुआ हर कार्यकर्ता संकल्प कर जाए कि चुनाव इस तरह से जीतना है, कांग्रेस पार्टी को मूल समेत उखाड़ कर फेंक देना है। मूल समेत उखाड़ दीजिए। सम्मेलन के माध्यम ने अमित शाह सबो पन्ना प्रभारी और बूथ मन के अटल दूत मल्ला प्रदेश में भाजपा के चौथा जीत पर संकल्प दिलेस। शाह साफ तौर में कहिस की आज ले सबो झल्ला एकजुट होके कमल निशान के तले सबो प्रत्याशी मल्ला जिताए के संकल्प लेके लहुटना है ताकि आने वाला समय में देश के हर कोना में भाजपा के कमल दिखाई देवे। देश टीवी पर कैमरामैन ऋषि नेताम संग स्वरूप भट्टाचार्य के रिपोर्ट। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज छत्तीसगढ़ दौरा पर रायपुर पहुंचीस। एयरपोर्ट में कई मंत्री विधायक और संगठन के नेता मन अमित शाह के स्वागत करीस। शाह के स्वागत पर भाजपा के कई पदाधिकारी और अन्य कार्यकर्ता मन घलोक एयरपोर्ट पहुंचे रहीस। अमित शाह के संग मार राज्यसभा सांसद सरोज पांडे घलोक रहीस। एयरपोर्ट ले वहा सीधा सिंधी समाज के धर्म स्थल सदारी दरबार गीस है जिहाँ सिंधी समाज के संत युधिष्ठिर लाल ले आशीर्वाद लीस। यहाँ वहाँ संत युधिष्ठिर लाल ने भेंट कर उकर भाजपा पर समर्थन घलो मांगीस। ये मुलाकात हा संपर्क फॉर समर्थन के तहत अमित शाह करे हैं। ये मौका मा मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक घलोक उपस्थित रहीस। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के मौजूदगी में कई आईपीएस आईआरएस और आईएफएस अफसर मन भाजपा में प्रवेश करीस। भाजपा प्रवेश करने वाले 24 लोगन मन में पूर्व आईपीएस राजीव श्रीवास्तव के अलावा पूर्व डीआईजी पूर्व आईआरएस आईएफएस और पूर्व डीएसपी के नाम शामिल है। भाजपा में प्रवेश करने वाले लोगन मन में समाज सेवी शुभांगी आपटे घलोक शामिल है। जिन अधिकारी मन भाजपा ने रिश्ता जोड़े है उमा ने कई लोगन मन चुनाव लड़े के तैयारी घलोक करे है। बिलासपुर में कांग्रेस के संग में हुए लाठीचार्ज के निंदा चारों डहर है। एक डहर जहां कांग्रेस से मामला ला लेके विरोध जतावत है तो यह घटना ला नुक्कड़ नाटक के रूप में घलोर राजधानी के चौक चौराहा मन में दिखाया जाते है। कांग्रेस पार्षद और एमआईसी मेंबर मन घलो अपन कार्यकर्ता मन के संग में मिल के नुक्कड़ नाटक के माध्यम ने लोगन मन ला बिलासपुर कांड के सच्चाई बताए के कोशिश करत है। संगे में ही लाठीचार्ज के वीडियो घलो स्क्रीन में लगा के दिखावत है। 60 साल तक कांग्रेस केंद्र में रही, उसने कभी ऐसा नहीं किया कि किसी के पार्टी के कार्यालय में जाकर लाठी चार्ज किया हो। सिटी मजिस्ट्रेट बोलता है मैंने आदेश नहीं दिया, एसडीएम बोलता है मैंने आदेश नहीं दिया, तो ये किसके आदेश पे इन लोगों ने लाठियां चलाई? गृह मंत्री, मुझे तो आज तक गृह मंत्री की प्रतिक्रिया नज़र नहीं आई। ये क्या कठपुतली है? क्या गृह मंत्रालय को भी रमन सिंह गोपनीय तरीके से अपने हिसाब से चला रहे हैं? ये घबराए हुए हैं, ये कांग्रेस की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उसको आज हम लोगों ने प्रोजेक्टर के माध्यम से रायपुर शहर की जनता को बताने की कोशिश की कि किस तरीके से अगर ये विपक्ष के नेताओं को मार सकते हैं तो आम आदमी की ये क्या हालत करेंगे। नुक्कड़ नाटक सब के माध्यम से हमने बताया कि किस तरीके से ये पुलिस का बल इस्तेमाल करके चौथी बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीजेपी की सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी फितरत भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नहीं रही है जैसे कांग्रेस ने 60 सालों तक इस देश में, और पुलिस प्रशासन को केवल सरकार चलाने का एक अंग मानकर विपक्षियों को दबाना, विपक्षियों का अभी 3.5 वर्ष के कार्यकाल को सबने इस प्रदेश के देखा है छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद कि किस प्रकार से पुलिस का और अधिकारियों का दुरुपयोग जो है कांग्रेस पार्टी ने राजनेताओं को खरीद फरोख्त करने में, मारपीट करने में, जिनके आंदोलनरत थे उनको मारने पीटने में, तो प्रताड़ित करने में, ये सभी बातें सबने देखी है। इसलिए ये कांग्रेस की सोच हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी कभी प्रशासन का इस प्रकार से दुरुपयोग नहीं करती। यदि दुरुपयोग करना रहता तो कार्रवाई क्यों करती?
बिलासपुर लाठीचार्ज के आज राजधानी में घलो मंत्री अमर अग्रवाल के पीछा नहीं छोड़ा थे। रायपुर नगर निगम स्मार्ट सिटी के कार्यक्रम में पहुंचे अग्रवाल ला कांग्रेसी मन काला झंडा दिखा के विरोध जतेस। इतना ही नहीं पूरा कार्यक्रम के निगम ऊपर पूरा कांग्रेसी पार्षद मन वॉकआउट कर अपन विरोध जतेस। बिलासपुर में कांग्रेसी मनो पर हुए लाठीचार्ज के तगड़ा विरोध कांग्रेस हा करत है। ये मामला में कांग्रेस के निशाना में सरकार के नगरीय निकाय मंत्री अमर अग्रवाल है। राजधानी में नगर निगम और स्मार्ट सिटी लिमिटेड के एक कार्यक्रम में शिरकत करे पर पहुंचे अमर अग्रवाल के कांग्रेसी मन तगड़ा विरोध करीस। ये विरोध के शुरुआत रायपुर नगर निगम में पार्षद और MIC मेंबर एजाज ढेबर हा करीस। एजाज हा पहले तो कार्यक्रम में बैठे ले इनकार करीस, फिर काला कपड़ा पहन के और काला झंडा दिखा के अपन विरोध लजतीस। मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो आज अमर अग्रवाल जी को यहाँ पर कार्यक्रम में आना नहीं था, क्योंकि जो बिलासपुर की जो घटना हुई है शायद वो देश के इतिहास में काले पन्ने में लिखी जाएगी कि कांग्रेस भवन में घुस के वहाँ से बाथरूम में घुस के आदमी लोगों को वहाँ पर मारा गया और इन्हीं के इशारे पे मारा गया। मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पुलिसिंग नहीं चल रही है, ये लोग यहाँ पर गुंडा पाल के रखे हैं। मन में इतना साझा नहीं किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग जिन लोगों ने हमारे भाई लोग को मारा वो हमारे भाई थे, हमारे कांग्रेसी भाई थे। ऐसा लोगों के साथ मंच करना अभी नहीं, मैं जीवन में कभी उनके साथ मंच कभी साझा नहीं करूंगा। इति कांग्रेस लाठीचार्ज पर भाजपा सरकार ऊपर आरोप लगाए थे। उन्हें मामला में भाजपा के कहना है कि जिन लाठीचार्ज हुए है ओहा निंदनीय है, जेकर पर कार्यवाही करे जाते। भाजपा प्रवक्ता सचिदानंद उपासने के कहना है कि चुनाव के बेरा है, कांग्रेस के पास मां कोनो मुद्दा नहीं है, एक सती हर चीज पर भाजपा सरकार ला जिम्मेदार ठहरावा थे। और अमर अग्रवाल जी को काले झंडे दिखाकर केवल एक राजनीतिक प्रतिशोध की आप अभिव्यक्ति कर रहे हैं। आपको पुलिस प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई शासन ने की है कि इस बात को स्वीकार किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश की सरकार ने कि जिसने भी आदेश दिया है, जिसने भी इस प्रकार की कार्रवाई कराई है वो किसी भी राजनीतिक दल के लिए उचित नहीं है और उसके लिए उसको तत्काल जो है वो वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। कांग्रेस का केवल एक राजनीतिक स्टंट है और अब कोई हथियार उनके पास बचे नहीं है तो इसी प्रकार से वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। चुनावी साल में हुए लाठीचार्ज ले मचे सियासी बवाल में मुख्यमंत्री हा पहले ही कार्यवाही कर दिए है। मामला में बिलासपुर ASP नीरज चंद्राकर ला पुलिस मुख्यालय अटैच करे जा चुके हैं। उन्हें मुख्यमंत्री हा मामला के न्यायिक जांच के घोषणा घलो कर दिए हैं। बावजूद एकर कांग्रेस लगातार मामला में आक्रामक रुख अपनाए हुए है। देश TV पर कैमरामैन एस गणेश संग कुलभूषण सिंह के रिपोर्ट। शुक्रवार के कांग्रेस के नवा कार्यालय राजीव भवन में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष सुष्मिता देवा एक प्रेस वार्ता के दौरान महिला मल्ला अधिकार दिलाए बर और बढ़त महंगाई के विरोध में महिला अधिकार यात्रा निकाले के बाद कहिस। वह कहिस कि महिला मन के अपराध ला रोके बर महिला कांग्रेस लगातार आंदोलन कर प्रयास करत है और संगे मां महिला कांग्रेस अब घर घर जाके अधिकार यात्रा के माध्यम ने महिला ला अपराध के विरोध में उगर आवाज बुलंद करवाही। सुष्मिता देवा बताई कि महिला कांग्रेस लगातार अपन सक्रिय भूमिका निभावत है। सुष्मिता देवा आंकड़ा पेश करत हुए कहिस कि NCRB के मुताबिक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में महिला मन के अपराध ला लेके शीर्ष में विराजमान है। यहाँ छत्तीसगढ़ में स्पेसिफिकली शराब बंदी की बात हो या आप स्पेसिफिकली देखिए कि जितनी महिलाएं गुमशुदा है, जो नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड के आंकड़े हैं, हर मुद्दे पर मैं कहूँगी कि महिला पे अत्याचार या अन्याय बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसलिए हमें ज़रूरत है कि इन मुद्दों को लेकर हम हर गांव में जाएं, हर शहर में जाएं, हर ब्लॉक में जाएं और महिला अधिकार यात्रा का यही उद्देश्य है कि हम इसको गांव-गांव में की महिलाओं के बीच पर इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी, महिला कांग्रेस जाए। इसकी शुरुआत हमने बिलासपुर से की है और हम हर ब्लॉक में ले जाएंगे। लॉन्च हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कर रहे हैं पर हेडक्वार्टर से ये ब्लॉक तक जाएगा। अब बेरा हो चले।